इधर आइए, आप इधर आइए। अरे ये कहाँ से आ गए, इधर आइए आप। आपको जो है इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप हेलमेट लगाए हो। काम करते ना, बिना हेलमेट के जाते ना बिंदास। ये क्या बात करते हैं यार। तो आप हमको ठंडा पिलाएंगे हम? आप हेलमेट नहीं लगा रहे। ए भाई साहब, हेलमेट वाले भैया इधर आ जाइए आप भी। ये हेलमेट लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको भी स्ट्रेप को भी बांधा जाता है, ठीक है। और जो पीछे बैठते हैं ना वो भी हेलमेट लगाते हैं मेरे मित्र, ठीक है सर। ठीक है, ये ठंडा पियो और सबको संदेश देना कि जब भी मोटरसाइकिल चलाना है तो क्या करना है, हेलमेट लगाना है मेरे मित्र, ठीक। सर जी, मैं अपने से एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ये विकास चौराहा कहाँ पास है? विकास देखिए, ये लल्लू सिंह चौक हो गया और उसके पहले महाराणा प्रताप चौक था और आगे जो है बुढ़ार चौक है। बुढ़ार चौक, बुढ़ार चौक आपसे होगा आगे वाला, वही चौराहा है। सामान लेने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये रास्ता में जाना है? ये वाले रास्ते में सीधे जाओगे आप, 1 किलोमीटर है। बहुत धन्यवाद। मुँह लगा के पी लीजिए, मुँह लगा के पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छा लगा हमको, बहुत खुशी हुई इस बात की कि आप हेलमेट लगा के आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम हेलमेट वालों को आज हम ठंडा पिला के स्वागत कर रहे हैं। भैया, ओ भाई साहब चले गए, हेलमेट लगाए थे साथ में, कान में मोबाइल भी लगाए थे वो, इसलिए रुके नहीं, डर गए कि लगता है मोबाइल देख लिए। क्या है, मोबाइल पे बात भी नहीं करना हमको गाड़ी चलाते समय, ध्यान बढ़ जाता है ना। तो वहाँ फेंकना नहीं, वहाँ नहीं फेंकना, उसको डस्टबिन में फेंकेंगे अपन। चलो रख लेते हैं, रहते की स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। अगर कहीं डस्टबिन नहीं दिख रही है आस पास पड़ोस में अपने चौराहे पे, तो अपने डिग्गी में रख लो, बाद में फेंक देंगे, ठीक है। सुरक्षा क्योंकि अपने हाथ में होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इधर आइए, इधर 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 आइए, आप दोनों लोग इधर आइए। जो गाड़ी चला रहे हैं वो हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं, आइए आप। हेलमेट जो लगाए हुए हैं वो आइए, आपको ठंडा पिलाया जाएगा, आपको नहीं पिलाएंगे। ये भेदभाव क्यों? नमस्ते नमस्ते, ठंडा आपको नहीं पिलाएंगे, आप बाद में ये कह लीजिए हम खरीद के पी लेंगे। पी लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। बस ओके, इसलिए पिला रहे हैं पता है आपको, हेलमेट लगाने के लिए। हेलमेट जब लगाए रहते हैं तो क्या होता है, सिर सुरक्षित रहता है। देखिए दुर्घटनाएं होती हैं, अगर तो हमारा सिर सुरक्षित रहता है, और सिर सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है कि नहीं? बिल्कुल। पूजा पाठ पे आप यकीन करते हो? मैं करता हूँ, पूजा पाठ किया करता हूँ। ईश्वर पे, परमात्मा पे मुझे बहुत भरोसा है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपको कोई रोक टोक रहा है, ट्रैफिक पुलिस भी रोक टोक रही है कि भैया आप हेलमेट लगाइए, अगर हेलमेट के लिए कोई आपको रोक रहा है, हमारी सुरक्षा, तो आपकी सुरक्षा के लिए रोक रहा है, ठीक है, तो आपको लगा के चलना है। ये आपको नहीं देंगे, नहीं देंगे, अभी एक गिलास है आप तो, लेकिन देंगे नहीं, ठीक है। आपको एहसास दिला रहे हैं, ये एक सम्मान कर रहा हूँ मैं, ये कोई देखिए ठंडा तो आप भी खरीद के पी सकते हो, बात उसकी नहीं है, लेकिन आपकी गलती है ना, लगाओगे? यस सर। हाँ चलिए ठीक, क्या शुभ नाम है आपका? शिव कुमार मौर्य। बहुत बढ़िया शिव कुमार जी, क्या करते हैं जी? सर अभी तो मैं वेस्ट में पढ़ा रहा हूँ। टीचर है? बहुत बढ़िया। और बच्चों आ जाओ, बिग फैन, इधर आ जाओ। अरे आ जाओ। आज हम अभी क्या ड्यूटी पे जब नहीं रहते हैं ना, हम फ्री टाइम पे तब हम यही यूनिफॉर्म पे आ जाते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। और क्या नाम है आपका? आपका जी? और आपका जी? ओ, आज क्या कर रहे हैं अपन? जो हेलमेट लगा के निकल रहे हैं उनको अपन कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। ओके, तो एक काम कीजिए ना, आप ग्लास ले आइए ना, वहाँ ग्लास ले आइए, मैं पैसा दूंगा उनको, आप ग्लास ले आइए, मैं हाथ दिखा। तो दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे साथियों, पूरे देश की जनता से, पूरे देश के इस आवाम से मेरी यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि जब भी दो पहिया वाहन से चलें तो हेलमेट जरूर लगा के चलें, है कि नहीं? सही बात। तो ये ठंडा आपको भी चलेगा, है? भी चलेगा। तो जाएगा, ये ले लो आप, और ये आप ऊपर से पी लो, डिस्पोजल आ रहा है वो, पियो 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 भाई, फैन हो यार, कुछ तो मिलना चाहिए ना। सही बात। और क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही? कौन सी क्लास में आप? गुड गुड गुड, अच्छे से पढ़ाई करो। वीडियो वगैरह देखे हो आज तक? बहुत सर, दिन भर आपकी वीडियो देखते, 3-4 दिन। और क्या सीखते हो? इधर आइए भाई साहब, हेलमेट
आइए सर, आइए प्लीज आइए। बहुत बढ़िया, नंबर प्लेट आगे नहीं है, उसको सुधार कीजिए। बाकी आपने हेलमेट लगाया तो दिल खुश हो गया, और दिल खुश हुआ तो कुछ आपकी सेवा करना चाहते हैं, ठंडा पिलाना चाहते हैं आप। थोड़ा सा इधर आइए, एक घूट पी लो बस, एक घूट। थैंक यू सो मच हेलमेट लगाने के लिए। आप जिम्मेदार हो, अपने घर के जिम्मेदार नागरिक हो, मुझे पूरा यकीन है, और पूरे जीवन में आपको खरोच तक न लगे यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अब नहीं पिए का यार, पियो पियो पियो। मैं ये यार क्या कर रहे हो यार, यार गलत बंदे को फेर दिया। थोड़ा सा दौड़ के आओ, दौड़ के। वाह, वेरी गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश। पहले रोड देखना है, फिर क्रॉस करना है। अब ये फैन है मेरा, कंफर्म ये अच्छा फैन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यों वेरी गुड बोल रहा हूँ बताओ? हाँ, दौड़ के जो अचानक से आप आ जाते तो फिर समझ जाते हम। ठीक, आइए सर आइए, बोतल खोलिए भाई। कहाँ है वो बोतल? यहाँ एक खोलिए सर। आज एक मैं बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है कि पहली बार मैं बड़ा अच्छा काम करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हैं भाई? जो हेलमेट लगा के आया उसको थोड़ा सा ठंडा हमारे तरफ से। गर्मी है सर, थोड़ा सा एक घूट ही पीजिए बस। क्यों, हम सेवा करना चाहते हैं आपकी? नहीं, सेवा की जरूरत नहीं है, बस बस बस। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, हमेशा लगा के निकलते हैं। बहुत बढ़िया सर, करना चाहिए सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सिर की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है हमेशा, और ये ठंडा याद रहे हमेशा जो है हेलमेट साथ रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपसे पहले भी मिल चुके हैं, आपको ध्यान नहीं होगा, नंदा श्रीवास्तव सर के साथ हवाई थे हमारे। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। और आपकी सेवा को देख के मतलब ज्यादातर मुझे शिक्षक मिल रहे हैं हेलमेट वाले। आहा, ये मतलब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नोट करने वाला है भाई? शिक्षक ही देखिए आधारशिला है, हमारे जीवन की आधारशिला शिक्षक ही है। तो बहुत ही अच्छा है, और मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षकों। अपने अपने पेशे सब लोग अच्छे ही होते हैं। नहीं, पेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पेशा नहीं है साहब, ये शिक्षा तो पेशा है ही नहीं। नहीं मतलब जो जहाँ है, हाँ, तो अपने जगह सही है। एक ये तो मैं कहता हूँ आशीर्वाद है कि जो शिक्षक का आशीर्वाद। आपसे कितनी बार मिल चुका हूँ, और आपकी सेवा मतलब मैंने देखा है, बस ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए सर। बहुत अच्छा लगा, और कैसे ठंडा चलेगा? जाएगा कोई बात ले आए, ले आओ यार, लो यार। गुड इवनिंग तो कर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा सर। यार भूल गया, मैं सोचा नहीं, वो बधा हुआ था, बधा हुआ था। ठीक सर, सर तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप भी अगर कभी शहरों से गुजर रहे हैं, ठंडा पीने का मन है, तो आ जाइएगा, बट हेलमेट लगा के आइएगा। हेलमेट तो लगाए हैं आप, लेकिन ये स्ट्रेप नहीं लगा हुआ है। अभी ये गलती से मिस्टेक हुआ है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के हकदार तो आप हैं हमारे, क्योंकि आज हम जो है एक मुहिम चला रहे हैं, आज एक मुहिम चला रहे हैं, जो हेलमेट लगा के निकल रहा है हमारे सामने, उसको हम कोल्ड ड्रिंक पिला के सेवा कर रहे हैं। अरे धन्यवाद। नहीं, आपकी सेवा बनती है। नहीं, अभी हमें एक दिन एक बच्चे ने बोला, एक पेशेंट क्या, हाँ हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट जी जी, मुझे बोला सर आप हमेशा हेलमेट लगा के रखते हैं। हाँ हाँ, विवेकानंद अंकल की वजह से क्या? बोला नहीं नहीं, अपनी जान की वजह से लगा के। अपनी जान की वजह से सर, और हो जाए? नहीं नहीं, बस बस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर, और स्टेप हमेशा लगाना, शायद आप जल्दबाजी में भूले हैं, पर हमको जल्दबाजी में भी नहीं भूलना है, तो थोड़ा सा और ये टाइट होना चाहिए सर, थोड़ा सा, यस पूरा है कंप्लीट। ठीक, और नहीं नहीं, बस थैंक यू। तो दे दीजिए इसको, हम जो है तो फेंक देंगे डस्टबिन में। और बहुत अच्छा लगा सर, नाइस टू मीट यू, हमेशा हेलमेट लगाइए, और ये ठंडा याद रहे हमेशा, हमेशा याद, पूरे जीवन भर आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि तिवारी जी, जब मैं हेलमेट लगा के चलता हूँ तब कोई चेकिंग नहीं लेती। तो ऐसा लगता है जैसे वो अफसोस जता रहे हैं हेलमेट लगाने का, तो मैं सोच रहा हूँ ठंडा पिला के वो अफसोस दूर कर दिया जाए। ठीक है सर, ओके, जय हिंद सर। भाई साहब, आपको रुकवाया क्यों गया पता है आपको? कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक इसलिए पिलाया जा रहा है आपको क्योंकि आप सीट बेल्ट लगाए हैं। अक्सर इन गाड़ियों में लोग जो है तो नहीं लगाते, और फोर व्हीलर में सीट बेल्ट लगाना, और टू व्हीलर पे
हेलमेट लगाना दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, जिंदगी जुड़ी हुई है इनसे। ठीक है, थैंक यू सो मच सीट बेल्ट लगाने के लिए। आप घर के अपने जिम्मेदार नागरिक हैं और इस देश के जिम्मेदार नागरिक। चलो भैया, जय हिंद। जय जय।